बना के दिया, हम लोगों ने उनको बोला था कि भाई अच्छी बना के दीजिएगा, और बाकी इसको ट्राई करते हैं अगर अच्छी लगी। और ये शॉर्ट्स भी हैं, ये दारू भी है। अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमी है। अच्छा, आप अपनी शॉप का जो रेस्टोरेंट है इसका नाम अपनी जुबान से बता दें। ये नली बिरयानी हाउस है और सोडा डी एन है। और जबरदस्त, ये पूरा एक सांस में पीना होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली बिरयानी लवर्स के लिए है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी जगहों की बिरयानी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि यार कोई बता दे कहाँ की अच्छी है, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ एक हमने बिरयानी एक्सपीरियंस की है, उसको टेस्ट किया है, चेक किया है, वो हर लिहाज से बेहतर है, प्राइस के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। चले जी, आ जाएं फिर हमारे साथ, चलते हैं। सबसे पहले उनके जो छोटा सा उनका एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ से आपसे बात करते हैं वहीं पे। ये हमारी जो बिरयानी है वो आ चुकी है। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी स्पाइसी लग रही है। अच्छा, हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बना के दी है। हम लोगों ने उनको बोला था कि भाई अच्छी बना के दीजिएगा, और बाकी इसको ट्राई करते हैं अगर अच्छी लगी। और ये शॉर्ट्स भी हैं, ये दारू भी है। और कोल्ड ड्रिंक का वेट हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक हमने मंगवाई है, अभी सुबह हम स्टार्ट करते हैं खाना। इंशाल्लाह अगर अच्छी लगती है तो आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे, और एक दफ़ा जाते हुए जो है ना इनकी जो लोकेशन है सही जगह वो भी दिखा देंगे, ताकि किसको आना चाहे तो आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये नली बिरयानी है, ठीक है, इसका नाम जो है नली बिरयानी है। आई थिंक ये जो बड़ा गोश्त बीफ होता है ना उसका जो है एक सेकंड। अच्छा, तो जो बीफ नली बिरयानी होती है ना उसमें ये कि जो बीफ होता है ना उसकी यखनी बनाई जाती है, फिर उसके अंदर जो है ना राइस को बनाया जाता है, ठीक है। और ये कुछ जो दूसरी बिरयानी होती है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसमें थोड़ा सा टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये हमारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, तो अभी हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह रिव्यू के साथ खाने के बाद। अच्छा, तो अभी अभी हमने जो बिरयानी आपको मैंने पिक्चर्स वीडियो शेयर की थी आपसे, तो अभी अभी जो बिरयानी खाई है वो इसकी जगह का नाम है, ये है नली बिरयानी हाउस। और आई सबसे अब आई हम इनसे रिसेप्शन से बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? सबसे अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमी। अच्छा, आप अपनी शॉप का जो रेस्टोरेंट है इसका नाम अपनी जुबान से बता दें। ये नली बिरयानी हाउस है और सोडा डी एन है। ये हमारा जो है बंस रोड की सेकंड जो फूड स्ट्रीट है, पीपल्स स्क्वायर जो रास्ता जा रहा है वहाँ से बिल्कुल अल्लाह वाली बेकरी के बिल्कुल सामने पड़ेगा, और ये बाबा स्क्रीन से भी करीब पड़ेगा, और ये पीपल्स स्क्वायर वाले रोड पर फूड स्ट्रीट के अपोजिट साइड पर है। अच्छा सर, यहाँ पे नली बिरयानी के अलावा और कौन कौन सी जो स्पेशल चीज़ें वो मिलती हैं जो आप कराची वालों को सर्व करते हैं? चिकन बिरयानी है और नली बिरयानी है, बाकी सोडा के अंदर हमारे पास एक फेमस सोडा है, इंडियन सोडा है। अच्छा, उसका नाम जो है वो फुलजर है। अच्छा, उसमें स्पेशल चीज़ क्या है, मतलब वो क्या उसका फ्लेवर इसका अच्छा है, डिफरेंट है? वो बिल्कुल टेस्ट ही उसका बिल्कुल चेंज है, अलग है। अच्छा तो जी, बिल्कुल कराची वाले वो भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इनकी बिरयानी ट्राई की है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अच्छा, ये नली बिरयानी है ना, इसकी और सादी बिरयानी की रेसिपी में क्या फ़र्क है? इसमें जो नली बिरयानी के अंदर जो होते हैं ना, जब हम लोग इसमें पकाते हैं तो इसके अंदर जो है ना मतलब इसकी नली होती है उसका भी टेस्ट आता है, इसकी यखनी अलग बनती है, और बिरयानी के अंदर जो आपकी यखनी होती है। अच्छा, ये थोड़ी जूसी सी थी जी, माशाल्लाह। जब आप इसके साथ खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग अलग आता है।
क्वांटिटी भी अच्छी है और जो बिरयानी लवर्स हैं कराची के, स्पेशली वो जो फरहान बिरयानी जो फेमस है काफ़ी, तो ये माशाल्लाह उनकी टक्कर की बिरयानी है इनकी, तो आप लोगों को रेकमेंड करेंगे आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ट्राई करें, चेक करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है ये इनकी शॉप है। ये जो आपको बंस रोड का ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वो रोड है इनका, ये सामने से जो है ना ये सारी जो है ना उन्होंने लोकेशन अपनी खुद भी शेयर कर दी आपसे, तो यहाँ पे आके ये ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे लोग खा रहे हैं। छोटा सा इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ लेकिन बहुत ज़बरदस्त, ये एक स्पेशल चीज़ है इनकी, ये बस ये ट्राई करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी, तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है भाई, इसमें कुछ मैजिक होने वाला है। जबरदस्त, ये पूरा एक सांस में पीना होगा, सांस तो ले लो भाई। क्या फ्लेवर है इसका आप बताओगे? आप बताएंगे इससे क्या फ्लेवर था? यार मिंट का था थोड़ा और मुझे पुदीने जैसा आया था, है ना, पुदीने से मिलता जुलता अच्छा। शेर लेकिन बहुत मजे का, बहुत टेस्टी, बहुत हाँ आप ट्राई करके देखो कैसे, और स्टाइल बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा है मैजिक हो रहा है कुछ। Something different. Maybe I'll try. Okay, try.